सब लोग संकल्प लेते हैं जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम भाजपा के कोई भी कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। जो भी कार्यक्रम करेंगे हम उनको काले झंडे दिखा के अपना विरोध जताएंगे। हम गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाएंगे। आपके बीच में नेता थे, गरीब थे, उन्हें उजाड़ने के खिलाफ में मेरे हाथ तो डाल सबके नेतृत्व में चल रहा है, उसमें एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। आपको ये जानकारी देना चाहते कि केंद्र सरकार ने किसान वायदा किया था, 9 दिसंबर को पत्र दिया था, जिसके बाद में 11 दिसंबर को हमने 380 दिन पुराना आंदोलन जिसमें 715 किसान शहीद हुए हमने उसे सोची। उन्होंने फिर से एक बार किसान संगठनों ने तय किया कि हम पूरे देश में क्या फैसला लिया, क्या करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की विचारधारा से चलने वाली पार्टी है और हम उसी विचारधारा के तहत लगातार गरीबों के साथ धरना दे रहे थे, गरीबों के साथ दे रहे थे। जिस तरह से आज बिना किसी योजना के, बिना किसी कारण के जो पूरी मंडी उजाड़ी गई है, आप भी सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह कि एक जो है सामने जो मॉल बना है उसमें इनकी गलती ये रही कि उनने पार्किंग नहीं दी और उसको तो उजाड़ नहीं पाए, मॉल को तो तोड़ नहीं पाए, इन गरीबों को उजाड़ दिया सिर्फ पार्किंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता क्योंकि पुरातत्व की परमिशन इन लोगों के पास है नहीं। इन्हें ऐसी क्या जल्दी थी जो इन सब गरीबों को उजाड़ के सिर्फ जमीन खाली करानी थी। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है और ये लड़ाई अब लंबी लड़ी जाएगी। सुनील शर्मा जी ने दीवार तोड़ने का प्रयास किया था मंडी की, जो थी मंडी की, ऐसा किसी कारण से गिरफ्तारी हुई है, आप क्या मानते हैं। सब गलत है, ये सब झूठ है, कोई दीवार नहीं टूटी और ना कोई ऐसा हमने कृत्य किया है। गांधीवादी लोग हैं और गांधी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं और हमारा जो आगे आंदोलन चलेगा वो भी गांधीवादी तरीके से चलेगा। जो भी भाजपा के विरुद्ध सारे दल आज इकट्ठे हुए हैं और सब ने हमको समर्थन दिया है, अब इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। कोई भी कितना भी बड़ा नेता आए, अब वो चाहे कोई सा भी कार्यक्रम होगा भाजपा का, उसमें कांग्रेस काले झंडे लेके खड़ी होगी। जो किसानों ने लड़ाई लड़ी है वो उनके सामने है, ग्वालियर में भी अब कांग्रेस हर प्रोग्राम में इनका विरोध करेगी। ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे, जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई लड़ते। आज आपने क्या किया है तो अरे बता तो दिया है, आजादी की लड़ाई से लेके आज तक प्रतिदिन दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित और गरीब मजदूर असहाय लोगों की लड़ाई लड़ती आई है। ऐसे में हमारे गरीब मजदूरों की लड़ाई अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं तो उनकी के साथ जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया जाता है, बल प्रयोग किया जाता है, उनके साथ अन्याय अत्याचार के बेचारे फल सब्जी विक्रेता हैं उनके साथ किया जा रहा है, उसका प्रतिकार कांग्रेस पार्टी करती है तो कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रताड़ना उनको दी जाती है। उसी के खिलाफ आज हमारे वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा की गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ हमने धरना दिया है और पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री और बड़े नेता आएंगे उनका विरोध काले झंडा लेकर प्रदर्शन किया जाए। ठीक, व्यवस्था करता है। आप देखिए मेरा घर को उजाड़ेगा, मुझे उससे अच्छे घर में ले जाएगा तो मैं तत्काल तैयार हो जाऊंगा। ऐसी उस सब्जी मंडी में क्या ऐसी कमियां हैं जो लोग वहां जाने तैयार नहीं हैं? उन कमियों को भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी करें, उन तरह तत्काल उन जो हमारे मजदूर हैं जो व्यापारी हैं उनकी तत्काल व्यवस्था की जाए, वरना कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह से आंदोलन करती रहेगी और ग्वालियर यूथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़े से बड़ा छोटे छोटा नेता आएगा उसका विरोध करेगी, उसको काले झंडे दिखाएगी, उसका पुतला जलाएगी, तब तक उन गरीब परिवारों को राहत नहीं दी। अभी हमने किसका पुतला जलाया था? अभी हमने भारतीय
जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का, हमें प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का, अनेक भारतीय जनता पार्टी के जो जो नेता किसान के हितैषी बनते हैं, गरीब के हितैषी बनते हैं, उन सबका पुतला जलाया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।